हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऋषि पंचमी स्पेशल मोरधन की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग इसे मोरधन भगर या फिर सावा भी बोलते हैं, और इस मोरधन की रेसिपी को स्पेशली ऋषि पंचमी के दिन ही बनाकर खाया जाता है। बाकी आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो आइए अब बिना कोई देर के इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मोरधन की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अंजलि ब्रांड का मोरधन लिया है, आप देख सकते हैं इस पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसे भगर या सावा भी कहा जाता है, सब लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। ये मैंने 200 ग्राम का पैकेट लिया है। इसमें से हम लोग अभी खीर बनाने के लिए लगभग 50 ग्राम सावा निकालेंगे या फिर मोरधन निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये किस तरह का होता है, बिल्कुल छोटे छोटे से बारीक सफ़ेद दाने होते हैं, बिल्कुल राई जैसे, लेकिन राई ब्लैक कलर की होती है और ये वाइट कलर का होता है। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से दाने होते हैं इसके, हम लोग इसे मोरधन के नाम से जानते हैं, आपके यहाँ जिस भी नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर एक बर्तन के अंदर से ट्रांसफ़र कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे एक गिलास पानी। हमें इसे आधे घंटे के लिए सोख करके रखना है। अगर आपके पास आधा घंटा नहीं है तो आप कम से कम 20 मिनट के लिए इसे सोख करके ज़रूर रखें, इससे क्या आपकी खीर जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। अब मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, ये दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, नॉर्मल रेगुलर दूध है जो मेरे घर में आता है। आप चाहें तो यहाँ पर फुल फैट क्रीम ले सकते हैं, इससे आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, आपका मोरधन भी जो बहुत अच्छे से सोख हो चुका है, थोड़ा सा फूल चुका है ये, और अब इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए मैंने सावे को बहुत अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है, दूध को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब दूध के अंदर बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, मैंने इसके अंदर एक चाय के कप के करीब पानी ऐड किया था, क्योंकि हम इसके अंदर जब मोरधन डालकर उबालेंगे तो हमारी खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए आप इसके अंदर लगभग 1 कप पानी ज़रूर ऐड करें। अगर आपने दूध गाढ़ा लिया है तो आप 1 गिलास के करीब छोटे गिलास इसके अंदर पानी ज़रूर ऐड करें, और आधे घंटे के लिए या फिर कम से कम 20 मिनट के लिए मोरधन को भिगोकर ज़रूर रखें, उसके बाद ही आप इसकी खीर बनाएं, इससे कि आपको मोरधन को दूध के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं उबालना पड़ेगा और आपकी खीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी खीर बनकर बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो जाती है। बहुत जल्दी बनकर रेडी होती है खीर। देखिए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और हमारा मोरधन जो है वो किस तरह से दूध के अंदर डालते से फूल गया है, और आप इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके देख सकते हैं। और गैस का फ्लेम आपको स्टार्टिंग से एंड तक लो टू मीडियम ही रखना है। ये देखिए जितना हमने मोरधन लिया था लगभग 40 से 50 ग्राम, उतना ही मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। आप चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना आपने मोरधन लिया है बस उसी कटोरी के मेज़रमेंट से आप लगभग 1 चम्मच कम या फिर उसके इक्वल ही चीनी ले सकते हैं। 5 मिनट बाद ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 4 से 5 बारीक कटे हुए काजू। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। चीनी के बाद ही मैंने यहाँ पर काजू डाल दिए हैं, क्योंकि हमारी खीर 5 मिनट बाद बनने वाली है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 इलायची का पाउडर। लगभग 10 मिनट हुए हमारी खीर को बनते हुए, और आप देख सकते हैं हमारी खीर का टेक्सचर ये कितनी गाढ़ी हो गई है, और हमने इसे सिर्फ लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे 15 से 20 मिनट बाद सर्व करेंगे। ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं 20 मिनट बाद ही हमारी खीर जो है पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। इसलिए आप पहले से इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें, थोड़ा सा इसे लिक्विड फॉर्म में रखें, क्योंकि 15-20 मिनट बाद जब आप इसे सर्व करेंगे तभी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और आप इसे कम से कम 15 मिनट बाद ही सर्व करें, ताकि इलायची का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छे से आ सके। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ऋषि पंचमी के दिन मोरधन की रेसिपी ही बनाकर खाई जाती है, मोरधन का ही फलियार खाया जाता है। आप चाहें तो मोरधन को चटपटा भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर खीर बनाई है जो कि आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। और इस तरह से आप कुछ बादाम पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब
इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।